Mi 11X के लिए रिव्यू जो है 2 दिन पहले करने वाला था, तो सॉरी उसके लिए थोड़ा सा अभी जो है काफ़ी सारी रोम्स आ चुके हैं वायरेड के लिए भी, जैसे कि वायरेड का यानी कि रेडमी नोट 5 प्रो का भी रिव्यू करता हूँ, तो उसके भी काफ़ी सारे रोम्स आ चुके हैं और अभी 2 दिन से थोड़ा बिजी चल रहा था, इसलिए अभी जो है वीडियो थोड़ी सी आपको डिले ज़रूर मिलेंगे सभी डिवाइस की ओर से, तो बट रिव्यू आपको कंप्लीट मैं करके दे दूंगा। फिलहाल इसमें हम बात करेंगे MIUI CX वर्स जो कि इसका 22.12.26 बिल्ड आया हुआ है। इसमें काफ़ी चेंज हुए हैं पिछले अपडेट के मुकाबले, क्या क्या चेंज हुआ है, कुछ चीज़ें फिक्स की गई हैं पिछले अपडेट में, प्रीवियस बिल्ड में जो बग्स थे उनको भी फिक्स किया गया, जिनके बारे में आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जैसा कि सबसे पहले तो देखोगे MIUI 14 का ये CSX वर्जन जो कि 22.12.26 मिलता है, और यहाँ पे जो स्पेक्स अब दिया गया पहले नहीं मिलता था इस तरीके से यहाँ पे, हालांकि यहाँ पे नीचे अपडेट के जो दिए गए हैं वो सब पहले हुआ करते थे, वो नहीं था तब, वो भी हमें देखने को मिल जाता है। नीचे मेंटेनर एंड बिल्ड डेट देखने को मिल जाएगा और डिटेल इन्फो एंड स्पेक्स में चलते हैं तो एंड्रॉयड वर्जन 13 ही है, सिक्योरिटी पैच भी दिसंबर का ही मिलता है और जो कर्नल है वो भी सेम मिल जाता था, यहाँ पर ऐसा कोई चेंज हमें देखने को नहीं मिलता था, ये आपका पहले जैसा रहेगा। अब यहाँ पे कनेक्शन एंड शेयरिंग की बात करें तो पिछले अपडेट में बताया था मेरा जो प्रॉब्लम कर रहा था कनेक्ट नहीं हो रहा था, बट इस बार फर्स्ट टाइम में ही कनेक्ट हो गया, अच्छे तरीके से काम कर रहा है कास्ट। वहीं वॉलपेपर एंड पर्सनलाइजेशन की अगर बात करते हैं तो इसके अंदर अब न्यू वॉलपेपर ऐड किए गए हैं, देख तो ब्लैक शार्क के देखने को मिलेंगे ये वॉलपेपर, ये वाला न्यू मिल जाएगा, और यहाँ पर जो एनिमेटेड ब्लैक शार्क के ये वॉलपेपर दिए गए हैं एनिमेटेड वाले, तो ये भी न्यू ऐड किया गया इसके अंदर में, तो यहाँ पे ये भी ऐड किया गया। साथ साथ नीचे आओगे तो और यहाँ पे ब्लैक शार्क 2 के ये भी जो है न्यू देखने को मिल जाएंगे, और नीचे आने के बाद यहाँ पे ब्लैक शार्क के ये वाले वॉलपेपर भी न्यू ऐड हुए हैं, और यहीं पे बिल्कुल लास्ट में अब आपको देखने को मिलने वाला है यहाँ पे एनिमेटेड एनिमे जो वॉलपेपर हैं वो देखने को मिल जाते हैं, तो ये भी जो है यहाँ पे न्यू मिल जाते हैं, तो ये कुछ न्यू वॉलपेपर अब इसके अंदर ऐड किए गए हैं, तो ये आपको यहाँ पे देखने को से मिल जाएंगे, तो ये सभी वॉलपेपर यहाँ पे जो बताया ये आपको न्यू देखने को मिलेंगे। वहीं अगर हम थीम्स की बात करें तो सेम रहने वाली वैसे इसके अंदर आपको बाइटफॉल जो वॉलपेपर आता है मूनलाइट का देखने को मिलेगा, एंड थीम स्टोर चाइनीज़ की देखने को मिलती जैसे कि पहले मिला करती थी। एंड ऑलवेज ऑन डिस्प्ले एंड लॉक स्क्रीन की बात करें तो ऑलवेज ऑन आपका अच्छे से काम करेगा, यहाँ ऐसा कोई चेंज नहीं हुआ है, डबल टैप टू बैक को लेकर अगर किसी की इशू था फिक्स है, काम कर रहा है। एंड चार्जिंग एनिमेशन पॉकेट मोड ऐसा आपको मिल जाएगा। डिस्प्ले के अंदर में यहाँ पे रीडिंग मोड कलर स्कीम काम कर रहा है, यहाँ पे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, डार्क थीम में सब आपका काम कर रहा है। और ब्राइटनेस की अगर बात करें सनलाइट मोड वाली प्रॉब्लम अगर किसी को आ रही थी वो भी इस अपडेट में फिक्स की गई है, साथ साथ इसके अंदर जो रिफ्रेश रेट मिलता है 60 हर्ट्ज़ का लेकर के इश्यूज़ थे वो भी फिक्स कर दिया गया, और यहाँ पे 90 हर्ट्ज़ का ऑप्शन था वो रिमूव कर दिया गया इस अपडेट के अंदर में, उसको रिमूव कर दिया गया है। AI इंजन जो यहाँ पे दिए गए इमेज ये आपके काम कर रहे हैं एंड रोटेशन वर्किंग रहेगा। वहीं अगर हम साउंड एंड टच की बात करें तो यहाँ पे तो कुछ चेंज नहीं है, लेकिन अगर आप साउंड इफेक्ट में जाओगे तो अब यहाँ पे हार्मन गार्डन का ये ऑप्शन न्यू ऐड किया गया, और ये आपके स्पीकर पे काम करता है, ईयरफोन मोड पे काम नहीं करेगा, ईयरफोन पे काम नहीं करेगा, ईयरफोन पे डॉल्बी काम करेगा, MI साउंड जो है वो काम करेगा, और डॉल्बी को लेकर के भी कुछ इशूज थे क्रैश वाले वो भी फिक्स किए गए हैं, तब ये भी आपको पूरा फिक्स देखने को मिल जाएगा। एंड नोटिफिकेशन कंट्रोल सेंटर में हालांकि ऐसा कुछ चेंज आपको नहीं मिलता, सब कुछ जैसा पहले था उसी तरीके से हाइड एंड वॉच यहीं पर आपको मिलता है, तो इसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, ये पूरा सेम रहेगा। एंड होम स्क्रीन की अगर बात करें तो इसके अंदर भी एक भी चेंज नहीं हुआ है, जो कस्टमाइजेशन यानी कि मोड वाला जो लॉन्चर आपको इसके अंदर मिलता है बाय डिफॉल्ट वही सेम है, पिछला वीडियो में कंप्लीट रिव्यू किया था, अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो आप देख लेना, आई बटन पर मैं दे दूंगा, उसमें सभी के बारे में बता रखा हूँ, बट इस अपडेट में ऐसा कुछ चेंज नहीं हुआ है। सिस्टम नेविगेशन या फिर बटन की अगर बात करें तो दोनों अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, एनिमेशन के मामले में भी ऐसी कोई दिक्कत हमें देखने को नहीं मिलता और अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। तो सेटिंग्स यहाँ पे फिलहाल आपकी वही पहले वाली पूरी रहने वाली है। अरेंज आइटम इन रीसेंट में भी जाओगे तो यहाँ पे भी iOS स्टाइल वाला रीसेंट ये सब आपको मिल जाता है, इनेबल करने के बाद रिस्टार्ट लॉन्चर एक बार कर देना तो अप्लाई हो जाएगा और ये भी अच्छे तरीके से आपका काम करता है, नॉर्मल कुछ इस तरीके से लॉन्चर रहने वाला है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम और देखने को मिलती थी सिक्योरिटी के अंदर में कि फिंगरप्रिंट जितनी बार डिवाइस रिस्टार्ट करते थे फिंगरप्रिंट रिमूव हो जाता था, वापस ऐड करना पड़ता था, तो इसको भी फिक्स कर दिया गया, 5 से 6 बार रिबूट करके देख लिया बिल्कुल फिक्स हो चुका है, अब यहाँ पे रिमूव नहीं होता है। और फिंगरप्रिंट के सेटिंग्स के अंदर से यहाँ से आप टच सेलेक्ट कर लेना, प्रेस पे आपको एक बार पावर बटन प्रेस करना पड़ता है इसलिए टच सेलेक्ट कर लेना, वैसे काम अच्छे तरीके से कर रहा है यहाँ पे हमारा फिंगरप्रिंट भी और जो फेस अनलॉक है ये भी, दोनों ही अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। और से रोम की अगर बात करें तो इंक्रिप्शन की अगर बात करें तो बाय डिफॉल्ट डिक्रिप्टेड आता है,
पहले भी डिक्रिप्टेड था, अभी भी आपको डिक्रिप्टेड ही देखने को मिलेगा। यहाँ पे प्राइवेसी प्रोटेक्शन पूरा लेटेस्ट रहेगा, यहाँ पे कोई चेंज नहीं है। बैटरी के अंदर में भी आपकी सेटिंग में ऐसा कोई चेंज नहीं, अभी भी जो है यहाँ पे इन्फो वाला नहीं मिलता हमें इस पर। बाकी बैटरी बैकअप की बात करें तो अच्छी बैटरी बैकअप के साथ में ही आता है, पहले भी जो है अच्छा था, सेम कर्नल ही है, तो बैटरी में ऐसा कोई इंप्रूव नहीं हुआ है पिछले अपडेट के मुकाबले। ऐप्स के अंदर भी कोई दिक्कत नहीं है, डुअल ऐप लोग काम कर रहा है। एडिशनल सेटिंग्स के अंदर अगर हम चलते हैं तो लैंग्वेज जो पिछले अपडेट में थी वही सभी लैंग्वेज मिल जाती है, यहाँ पर भी ऐसा कोई चेंज आपको देखने को नहीं मिलता। लैंग्वेज के अंदर में रीजन चेंज कर पाओगे, क्लियर स्पीकर मिल जाता है, यहाँ पे फ्लोटिंग विंडो है, मेमोरी एक्सटेंशन पहले जैसे ही है, तो ये सब आपको मिल जाएगा। एंड स्क्रीन टाइम, फोकस मोड, ये सब आपको मिल जाता है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी ऐसा कोई चेंज नहीं मिलता है। बाहर में MI अकाउंट या फिर गूगल अकाउंट, ये सब आपको मिलेगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें ऐप बोल्ट की, तो ये भी अच्छे तरीके से काम कर पहले जैसे ही है। होम स्क्रीन का भी जो आपका विजेट्स है वो लेटेस्ट ही मिल जाता है जैसे कि पहले था, और अगर लॉन्चर देखो तो अभी अपडेटेड ही मिलता है उसे इसके अंदर में। तो यहाँ पे फोल्डर जैसे कि एडिट आप कर पाओगे, और आइकन अगर आपको चेंज करना है जो कि सुपर आइकन अभी मिलता है लेटेस्ट MIUI 14 में, तो ये सभी भी अच्छे तरीके से काम कर रहा है। जैसा कि फोल्डर भी आप एडिट कर सकते हो यहाँ से, तो इस तरीके के जो है ये सारे ऑप्शंस आपके वर्किंग हैं यहाँ पे पहले जैसे ही। कंट्रोल सेंटर में भी ऐसा कोई चेंज नहीं है, एनिमेशन स्मूथ रहता है। तो इसके अंदर कुछ न्यू टॉगल अगर बात करें तो वह ऐसा कुछ चेंज नहीं हुआ, पहले जैसे ही पूरा आपका रहने वाला है। वॉल्यूम पैनल भी सेम ही आता है, 4 पैनल के साथ में आता है, और जो पावर मेन्यू वो भी एडवांस रिबूट के साथ में आता है, यानी कि 3 पैनल वाला देखने को मिल जाएगा। और ऐप ओपनिंग की अगर बात करें तो एनिमेशन काफ़ी अच्छा है, एनिमेशन को लेकर के भी कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, फुल ऐप ओपनिंग एनिमेशन मिल जाते हैं और स्मूथ है और फास्ट एनिमेशन देखने को मिल जाता है। अगर हम क्लियर करते हैं यहाँ पे, तो क्लियर करने के बाद कोई नोटिफिकेशन नहीं आता क्लियर करने का हालांकि यहाँ पे, बट अगर रैम देखोगे तो पहले जैसी है, रैम मैनेजमेंट सेम रहने वाला है पिछले अपडेट जैसा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा है। कॉलिंग के अंदर वोल्टी काम करे, कैरियर वीडियो कॉल बिल्कुल वर्किंग है, पिछले में भी आपको बताया था, हालांकि वाईफाई कॉलिंग का प्रॉब्लम पिछले में बताया था कि नहीं काम कर रहा है, इसमें भी काम नहीं कर रहा है अभी भी। एंड अगर हम यहाँ पे बात करें इसके प्रॉक्सिमिटी सेंसर के बारे में, तो ये अच्छे से काम कर रहा है, कॉल रिकॉर्डिंग भी काम कर रहा है, ब्लूटूथ डिवाइस अगर यूज़ करते हो तो कॉलिंग एंड मीडिया दोनों पर ही काम कर रहा है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। एंड कैमरे की अगर बात करें तो यहाँ पे आपका जो वाटर मार्क है कैमरे में वो काम कर रहा है, लाइका वाला भी और नॉर्मल भी काम कर रहा है, लाइका वाला जैसे कैमरा मिल जाता है। AI पिछले में काफ़ी ट्राई किया था, काम नहीं कर रहा था, बट इस बार बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है। और पोर्ट्रेट मोड यूज़ कर पाओगे, बट ये जो लेंस वाले दिए गए हैं ये मेरे हिसाब से यहाँ पे काम नहीं करेंगे, चेक किया बट नॉर्मल ही पिक्चर आती है। वहीं मोर के अंदर आपका मेन जो स्लो मोशन है या पैनोरामा मोड काम कर रहा है, और वीडियो क्वालिटी वो 4K 60fps तक देखने को मिल जाती है, तो यहाँ पे भी ऐसा कोई चेंज नहीं हुआ है। GCam उसे आप मैनुअली इंस्टॉल कर लेना इसके अंदर में, इसमें भी कोई दिक्कत आपको नहीं मिलेगी। अगर प्ले स्टोर के बारे में बात करें तो प्ले स्टोर सर्टिफाइड ही आता है जैसे कि पहले था, तो सेफ्टी नेट इसके अंदर बाय डिफॉल्ट पास रहेगी, तो बैंकिंग ऐप के लिए आपको रूट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, विदाउट रूट भी आराम से यूज़ कर पाओगे। वहीं ओके गूगल की अगर बात करें तो इस बार आप काम कर रहे हैं, पिछले अपडेट में बग था लेकिन इस बार इसको फी फिक्स कर दिया गया है, तब आपका ओके गूगल भी यहाँ पे काम कर रहा है। वैसे इसके अंदर जो गैलरी मिलती है लेटेस्ट ही रहेगी, और जो स्क्रीन रिकॉर्डर है 90fps के साथ में आता है, तो ये सब भी आपको अपडेटेड बिल्कुल लेटेस्ट मिल जाते हैं, तो यहाँ पे भी ऐसी कोई दिक्कत हमें देखने को नहीं मिलने वाली एप्लीकेशन को लेकर के। एंटूटू स्कोर 7,13,246 आया, पिछले में 6,94,000 देखने को मिला था। CPU थ्रॉटलर अगर आप देखते हो तो यहाँ पे 92% है, पिछले में 93% देखने को मिला था। और गीगबेंच स्कोर देखें तो सिंगल स्कोर 998 है और मल्टी स्कोर 3346 है, पिछले में सिंगल स्कोर 991 था और मल्टी स्कोर 3373। तो सभी स्कोर अगर आप देखोगे तो सिमिलर पहले जैसे ही स्कोर हमें मिल जाते हैं। अब यहाँ पे अगर बूट एनिमेशन देखें, क्योंकि इसके अंदर न्यू बूट एनिमेशन ब्लैक स्टार का ऐड किया गया, तो ये बूट एनिमेशन आपको यहाँ पे न्यू देखने को मिल जाता है, ये फिलहाल इस अपडेट में अब यहाँ पे ऐड किया गया है, तो ये अब हमें यहाँ पे देखने को मिलने वाला है न्यू इसका बूट एनिमेशन, जो देखने में काफ़ी अच्छा है। अब गेम टर्बो आपका वही सेम पहले जैसा रहेगा, गेम टर्बो में ऐसा कोई चेंज नहीं है, वॉइस चेंजर काम करता है, इसके जो बाकी के सेटिंग्स थे सेम रहेंगे, गेमिंग मोड मिल जाता है तो यहाँ से परफॉर्मेंस सेलेक्ट कर लेना, ऐसे अब कोई चेंज यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। और उसी तरीके से जो ग्राफिक है वो भी सेम मिल जाती है, ग्राफिक में भी कोई चेंज नहीं हुआ, हम यहाँ पे स्मूथ एंड 90fps पे खेलने वाले हैं। वैसे 90fps पे अगर आप खेलो तो डिस्प्ले के सेटिंग्स के अंदर से वहाँ जो FPS है, रिफ्रेश रेट है, उसको 120Hz पे सेलेक्ट कर लेना, नहीं तो 60Hz पे सेलेक्ट करके रखोगे तो यहाँ गेम भी 60Hz के हिसाब से ही चलेगा, तो इसलिए यहाँ पे अगर 90fps सेलेक्ट करते हो तो वहाँ पे भी 120Hz सेलेक्ट कर लेना। वैसे गेमिंग परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है, पिछले में भी आपको बताया था एनिमेशन और गेमिंग परफॉर्मेंस की दोनों ही अच्छी मिल जाती है लेटेस्ट फीचर के साथ में, तो यहाँ पे ऐसी कोई दिक्कत फिलहाल हमें नहीं मिलता है जो पहले दिक्कत थी पिछले अपडेट में, बट अभी जो है यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें फिक्स कर दी गई हैं, तो अब आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम फिलहाल नहीं मिलेगी। अगर कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन होगा कॉमेंट में पूछ लीजिएगा, पिछले वीडियो में ऑलरेडी बता रखा हूँ इंस्टॉल कैसे करना पिछले के वीडियोज़ में, और डिस्क्रिप्शन पर वैसे मैं दे दूंगा कैसे इंस्टॉल करना, आप देख लेना, समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ऑरेंज फॉक्स के थ्रू भी आप इंस्टॉल
कर सकते हो, उससे ही मैं ज़्यादातर इंस्टॉल करता हूँ। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, और वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर लीजिए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।